हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम बुलसाई नीट 2021 सेशन नंबर 27 डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बॉटनी का, देखते हैं चलो क्या है। एज यूजुअल सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। देन हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट मूव्स मॉलिक्यूल्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? बेसिकली ट्रांसपोर्ट टू टाइप्स के होते हैं। ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं, दो तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं बेटा। नंबर वन इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड नंबर टू इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नंबर टू इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू? क्या बेसिक डिफरेंस होगा इन दोनों के अंदर? एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, ओके। एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड यानी यहां पर एटीपी यूज आएगा। एनर्जी का सोर्स क्या है? एनर्जी की करेंसी क्या है? एटीपी है। तो यहां पर एटीपी रिक्वायर होगी। अब कब एटीपी रिक्वायर होती है, यहां क्यों नहीं हो रही, इधर क्यों होती है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्यों है, इसका हमेशा याद रखने का एक ही फंडा है। आपको बाईसाइकिल चलानी आती है, जब भी आप बाईसाइकिल को ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं यानी ऊंचाई से नीचे की तरफ लाते हैं, तो क्या आपको एटीपी की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। क्या आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है? पैडल मारने पड़ते हैं? नहीं मारने पड़ते। लेकिन जब बेटा आप उसको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा क्यों? ठीक इसी तरीके का प्रोसेस यहाँ पर सेट होता है कि मैं बोल रहा हूँ कि मेम्ब्रेन में एक तरफ वाटर की कंसंट्रेशन क्या बहुत ज़्यादा है। अब इधर मैंने बोला कि कैसे बना दिया, यहाँ मेम्ब्रेन है, यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा इनके अंदर? कोलिजन होगा। जितना कोलिजन होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी, और जितना ज़्यादा इनके अंदर क्या होगा, कोलिजन होगा, तो ये मेम्ब्रेन से यहाँ पर बहुत कम है तो ये मूव कर जाएंगे इजीली। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ये यहाँ से इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, अपने कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा से कम की तरफ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है भाई साहब? यहाँ पर होगा बेटा कि कम से ज़्यादा की तरफ अगर आपको मूव करवाना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी खर्च होंगे। एटीपी क्या होंगे? यहाँ पर यूज में आते हैं। इसका एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट की अपन बात करते हैं, सोडियम पंप की हम बात करते हैं, तो सोडियम पंप इसका एग्जांपल है। अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर NaCl क्या होगा, NaCl का अमाउंट क्या होगा? जैसे हमारी जो सेल है, हमारी जो सेल्स हैं वो एक ऐसे हैं कि एक सी वाटर की तरह है। जैसे ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और यहाँ पर ये सेल है, ये सेल्स अरेंज हैं कॉम्पैक्टली, प्लांट की तरह थोड़ी होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, सी वाटर की तरह होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेल के अंदर NaCl ज़्यादा है, तो यहाँ से सोडियम क्या आता है, बाहर आता है। अब जहाँ से कम से ज़्यादा की तरफ अगर हम भेज रहे हैं तो वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जिधर कंसंट्रेशन कम होगी, किसकी, कोई भी अगर जिसका भी हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अगर सोडियम की कंसंट्रेशन कम है, कम से ज़्यादा की तरफ भेजेंगे जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, या ज़्यादा से कम की तरफ भेजेंगे? कम से ज़्यादा की तरफ भेजेंगे जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा से कम की तरफ तो इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पर बेटा इंपॉर्टेंट बिकॉज मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, गलत बात है, फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यस, विद लेस एटीपी, नो, मोर एटीपी, एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं बाय इंक्रीजिंग देयर डिफ्यूजन कोफिशियंट, नहीं, ये दोनों भी नहीं होंगे। तो आज का हमारा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो क्या होता है, टिक टिक टिक, आंसर नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ओके। अब बेटा हम चलते हैं हमारे आज के सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे आज के क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। ऑस्मोसिस इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ, ऑस्मोसिस किसकी फॉर्म है, एक स्पेसिफिक फॉर्म है, किसकी फॉर्म है बेटा, डिफ्यूजन की। यहाँ पर ये दे रखा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सारे गलत बेटा। यहाँ पर क्या होता है, देखो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, एक बात करते हैं अपन डिफ्यूजन की, एक बात करते हैं अपन ऑस्मोसिस की। डिफ्यूजन होगा सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के अंदर होता है,
ओस्मोसिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। तो मैं बोलूँगा कि डिफ्यूजन के लिए मैं अगर मैं डेफिनेशन बोलता हूँ तो डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। अब चाहे वो सॉलिड के अंदर हो, चाहे वो लिक्विड के अंदर हो, चाहे वो गैस के अंदर हो, लेकिन डिफ्यूजन की बात करते हैं सबसे ज़्यादा किसमें होगा? गैसेस के अंदर होगा, देन लिक्विड के अंदर, देन सबसे कम सॉलिड के अंदर। सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं आराम से। अब हम बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं व्हाट इज द ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या है? देखो डिफ्यूजन हमने देखा पहले, डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ओ ग्रेट, ओके, इसे हम बोलते हैं, ये सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा एंड गैस में भी होगा। सबसे ज़्यादा गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में, ये इसका ऑर्डर हो गया। अब हम बात करते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस दो डेफिनेशन लिखी जाती है इसके लिए, जनरली दो तरीके से घुमाता है, जनरली बच्चे यही लर्न करते हैं। हमारा क्वेश्चन तो खैर इससे सोल्व हो जाएगा। डिफ्यूजन ऑफ वाटर, डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू, डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस। क्या बोलेंगे? ओस्मोसिस, ओके। तो यहां पर हम कर रहे हैं डिफ्यूजन ऑफ वाटर। अब बस यही है, दो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर जिधर वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, उधर से वो कम की तरफ जा रहा है थ्रू दी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? ओस्मोसिस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ओस्मोसिस बोलते हैं। अब यहां पर इसकी एक डेफिनेशन और भी हो सकती है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जहां पर सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन लोअर होगी वहां पर वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा तो दोनों डेफिनेशन एक पर ही फॉलो होती हैं। तो वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है, और सॉल्यूशन की रेस्पेक्ट में लेते हैं तो सॉल्यूशन की लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट हो रहा है। तो यहां पर इसका आंसर जाएगा बेटा फोर्थ वन, इज द टाइप ऑफ ओस्मोसिस इज स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन। सो द आंसर नंबर बी का फोर्थ। तो हमारे आज के दोनों क्वेश्चंस डिस्कस किए हमने, सेशन के दोनों क्वेश्चंस यहीं पे एंड होते हैं। तो बेटा आप कंटिन्यूअसली हमारे जो अपडेटेड क्वेश्चंस होते हैं ऑन द कम्युनिटी पेज, यू हैव टू गिव आंसर ऑन देयर, ओके, वहां पर आपको आंसर्स देने हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, ऑल द वेरी बेस्ट।